साइड में जाते हैं। 80 रुपए में प्याज है भाई, 80 रुपए से ज्यादा मत लीजिएगा। अगर 80 से ज्यादा है तो आप प्याज मत लीजिए। प्याज ही नहीं भाई, ये इसकी प्याज है। मेरी बात समझो, जिसे भी पुलिस देख रहे हो, मजिस्ट्रेट देख रहे हो, तुम मंडी सचिव को फोन करिए और बताइए फला जगह 80 रुपए के ऊपर प्याज बेच रहा है। गाड़ी के अभी 80 रुपए मार कर प्याज नहीं बिकेगी। प्याज लेना, प्याज क्या रेट लिया? 80 से ज्यादा कोई मांगेगा तो दीजिएगा मत, सीधे जेल भेजेंगे उसको। माननीय जिलाधिकारी के मौके के निर्देश के क्रम में यहाँ के उपभोक्ताओं को एक निश्चित दर पर प्याज मिले, इस कार्य को सुनिश्चित करने के लिए मंडी में पहले जो थोक मूल्य रेट है उसको पता किया गया कि वास्तव में स्थिति क्या है। तो आज की रेट में 70 रुपये और 60 रुपये प्याज उपलब्ध है थोक मंडी में, परंतु कुछ फुटकर विक्रेता एक डमी रेट क्रिएट करके उसको 100 और उससे ऊपर बेचने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके क्रम में आज शहर के विभिन्न चौराहों पर जो फुटकर दुकानदार हैं उनको उनकी जांच की गई और जो जिनको ये पाया गया कि वह 100 या उससे ऊपर बेच रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई। उपभोक्ताओं को भी बताया गया कि वास्तव में 80 रुपये दर ही प्याज की वर्तमान समय में सम्मानजनक दर है, 80 या इससे नीचे, 80 से ऊपर अगर वो बेच रहा है तो वो डमी रेट क्रिएट कर रहा है और उपभोक्ताओं के साथ अच्छा छल कर रहा है। इसके क्रम में विभिन्न मार्केट में उपभोक्ताओं और दुकानदारों दोनों को सचेत भी किया गया कि वह 80 रुपये से अधिक प्याज न बेचे। छापेमारी में कितना माल, कुछ माल बरामद किया गया है? हाँ, दो छोटे जो 120 में बेच रहे थे, दो छोटे दुकानदारों का माल जब्त किया गया, वो लगभग 70 से 80 किलो होगा और पॉलिथीन भी जब्त की गई उनके पास, अवैध रूप से वो पॉलिथीन में रखे हुए थे, उस पर भी कार्रवाई।